उज्ज्वला आलोक भारतीय भाषा केंद्र जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय नई दिल्ली से। हिंदी मुक्स परियोजना के अंतर्गत हम हिंदी साहित्य के इतिहास में हिंदी पत्र पत्रिका के इतिहास पर बातचीत कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने जो पत्र पत्रिका का जो शैशव काल है उस पे बात की हमने, बाद में हमने भारतेंदु युगीन पत्र पत्रिकाओं पर बातचीत की, फिर द्विवेदी युगीन जो पत्र पत्रिकाएं हैं उसके कालखंड पर बातचीत की, और उसके बाद हमने छायावाद की जो पत्र पत्रिकाएं हैं उस पर बातचीत की। इसके बाद आता है छायावाद उत्तर काल की हिंदी पत्र पत्रिकाएं, जिसका समय सन 1937 से 1980 तक माना जाता है। छायावाद के बाद हिंदी पत्रकारिता के क्षेत्र में दैनिक समाचार पत्रों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। इस काल में प्रकाशित होने वाली कई जो दैनिक समाचार पत्र थे उनका प्रकाशन आज भी हो रहा है। इन दैनिक समाचार पत्रों को प्रकाशित करने वाले संस्थानों ने बीच बीच में कई साहित्यिक पत्रिकाओं का भी प्रकाशन किया है। सन 1936 से हिंदुस्तान का प्रकाशन आरंभ हुआ। इसके प्रथम संपादक थे सत्यदेव विद्यालंकार, बाद में मृणाल पांडे ने भी इसका संपादन किया। हिंदुस्तान टाइम्स प्रकाशन जो है द्वारा ही साप्ताहिक हिंदुस्तान और नंदन कादंबिनी का भी प्रकाशन हुआ। साप्ताहिक हिंदुस्तान का प्रकाशन सन 1950 से शुरू हुआ। आजादी के बाद पत्र पत्रिकाओं के प्रकाशन में बड़ी तेजी आई। बेनेट कोलमैन कंपनी जो है उसके द्वारा सन 1947 में आरंभ किए गए नवभारत टाइम्स के प्रथम संपादक हरिशंकर द्विवेदी थे। आगे चलकर अज्ञे ने भी इस पत्र का संपादन किया। धर्मयुग, दीन मान, पराग, ये जो या सारिका कहें, ऐसी जो पत्रिकाएं हैं इनका प्रकाशन भी बेनेट कोलमैन कंपनी लिमिटेड द्वारा ही हुआ। धर्मयुग उत्कृष्ट साहित्यिक पत्रिका थी, जिसे निकालने में इलाचंद्र जोशी, सत्यदेव विद्यालंकार और सबसे बढ़कर डॉक्टर धर्मवीर भारती की कहें कि महत्वपूर्ण भूमिका थी। इसमें जनता की रुचि को परिष्कृत करने के लिए, उसे रूप देने के लिए उच्च कोटि का साहित्य प्रकाशित किया जाता था। यह एक साप्ताहिक पत्रिका थी। यह पत्रिका 1949 से लेकर 1993 तक मुंबई से प्रकाशित हुई थी। दैनिक समाचार पत्रों में अमर उजाला का भी प्रकाशन महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यह पत्र 1948 में प्रकाशित होना शुरू हुआ। साहित्यिक आंदोलनों के विकास में छायावादोत्तर काल की साहित्यिक पत्रिकाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। खासकर कविता और नई कहानी को साहित्यिक पत्रिकाओं के माध्यम से ही पहचान मिली। नई कहानी के विकास में प्रतीक और नई कविता नामक जो पत्रिका है उसका बेहद उल्लेखनीय योगदान है। अज्ञे ने सन 1947 में इलाहाबाद से प्रतीक का प्रकाशन शुरू किया, हालांकि ये बाद में दिल्ली से प्रकाशित होने लगे। जगदीश गुप्त ने सन 1954 में नई कविता का प्रकाशन आरंभ किया। इस पत्रिका में नई कविताओं की विशेषताओं को लेकर कई आलोचनात्मक लेख प्रकाशित किए गए। इन दोनों पत्रिकाओं का प्रकाशन हिंदी साहित्य में नई कविता को स्थापित करने के उद्देश्य से ही हुआ था। इसके अलावा इस काल में निकष, पाटल, कल्पना, दृष्टिकोण ऐसी पत्रिकाएं हैं जिन्होंने नई कविता को बढ़ावा दिया। निकष का प्रकाशन सन 1956 में इलाहाबाद से हुआ। इसके संपादक धर्मवीर भारती थे, लक्ष्मीकांत वर्मा थे। अलग अलग साहित्यिक आंदोलनों का काल रहा और इस दौरान कहानी कविता संबंधी कई आंदोलनों की घोषणा की गई। सन 1955 में कहानी पत्रिका का प्रकाशन हुआ। इसमें छपने वाली कहानियों को नई कविता के तर्ज पर नई कहानी कहा गया। इस पत्रिका के संपादक भैरव प्रसाद गुप्त थे। भैरव प्रसाद गुप्त ने इसके बाद नई कहानियां और उपन्यास नामक पत्रिका का भी संपादन किया। सन 1964 में महीप सिंह ने सचेतन कहानी का सूत्रपात किया और
आधार नामक पत्रिका में उन्होंने सचेतन कहानी के शीर्षक से विशेषांक निकाला। इन पत्रिकाओं के अलावा आलोचना, समालोचक, पहल, दिनमान पत्रिका जो है वो प्रकाशन भी कहें कि हिंदी को नई दिशा में ले गया। आलोचना का प्रकाशन राजकमल प्रकाशन लिमिटेड द्वारा मूलतः आलोचना केंद्रित एक त्रैमासिक साहित्यिक पत्रिका के रूप में सन 1951 से शुरू हुआ। इसके संपादक जो थे वे शिवदासी चौहान थे। अपने आरंभिक समय में ही आलोचना एक श्रेष्ठ जो पत्रिका है उसके रूप में स्थापित हुई। बाद के दिनों में इसके संपादन में डॉक्टर धर्मवीर, रघुवंश, विजय देव नारायण शाही, नंदुलारे वाजपेयी, नामवर सिंह जैसे विद्वानों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लंबे समय तक जो है कहें कि नामवर सिंह इसके संपादक थे। सन 1965 में दिनमान का प्रकाशन शुरू हुआ। इसके संपादक अज्ञे थे। बाद में रघुवीर सहाय ने भी इसका संपादन किया। सन 1958 में रामविलास शर्मा ने समालोचना का प्रकाशन आगरा से शुरू किया। पहल का प्रकाशन सन 1960 में जयपुर से ज्ञान रंजन के संपादन में शुरू हुआ। इसके बाद का जो समय है वह है समकालीन हिंदी पत्र पत्रिकाओं का, जिसे हम 1980 से अब तक मान सकते हैं। छायावाद उत्तर काल में प्रकाशित होने वाली कई पत्रिकाएं आज भी प्रकाशित हो रही हैं। उनमें से कई पत्रिकाओं को नए कलेवर में प्रकाशित किया जा रहा है। सन 1986 में राजेंद्र यादव के संपादन में हंस का फिर से एक नए कलेवर में प्रकाशन शुरू हुआ। राजेंद्र यादव ने हंस के माध्यम से कहानीकारों को तो आगे बढ़ाया ही, साथ ही उन्होंने हंस के माध्यम से जो आधुनिक विमर्श है उसको भी हिंदी साहित्य में प्रतिष्ठित करने का काम किया। दलित विमर्श, स्त्री विमर्श, आदिवासी विमर्श आदि से जो जुड़े रचनाकार थे उनको राजेंद्र यादव ने हंस में जगह दी। राजेंद्र यादव ने कहा कि उनके निधन के बाद इसका जो संपादन है संजय सहाय कर रहे हैं। सन 1990 में आलोचना का प्रकाशन बंद हो गया था। इसके बाद सन 2000 में इसका प्रकाशन फिर से शुरू हुआ। नामवर सिंह इसके प्रधान संपादक और परमानंद श्रीवास्तव इसके संपादक हुए। नया ज्ञानोदय वर्तमान समय में हिंदी की एक प्रमुख पत्रिका है। यह भारतीय ज्ञानपीठ नई दिल्ली द्वारा प्रतिमाह प्रकाशित की जाती है। आरंभ में यह जो पत्रिका है वह जनवरी 1949 से फरवरी 1970 तक ज्ञानोदय नाम से प्रकाशित होती रही, और बाद में जहां तक याद है कि 2003 से इसका पुनः प्रकाशन ज्ञानोदय नाम, नया ज्ञानोदय नाम से शुरू हुआ। नया ज्ञानोदय के संपादक रविंद्र कालिया हुए। साहित्यिक जगत में इसका प्रेम महाविशेषांक पर्याप्त लोकप्रिय हुआ। कई रचनाकारों को भी इस पत्रिका में जगह दी गई। वर्तमान साहित्य, कथा देश, पाखी, आजकल, तद्भव, उद्भावना, वागर्थ, गगनांचल, अंतरंग, समीक्षा, इंद्रप्रस्थ भारती, साखी, पल प्रतिपल और समकालीन भारतीय साहित्य जैसी पत्रिकाएं जो हैं इस दौर में हिंदी साहित्य में नूतन प्रयोग और विमर्शों से पाठकों को रूबरू करा रही थी। पिछले वर्षों में रमणिका गुप्ता द्वारा संपादित युद्धरत, आम आदमी जैसी अस्मिता विमर्श केंद्रीय पत्रिकाएं जो हैं वो भी प्रकाशित हुई। भारतवर्ष के विभिन्न विभागों और कई विश्वविद्यालयों द्वारा पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन का काम भी हो रहा है। इस तरह हम देखते हैं कि आधुनिक हिंदी साहित्य और भाषा के विकास में हिंदी के पत्र पत्रिकाओं की अहम भूमिका रही है। पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से ही खड़ी बोली हिंदी को साहित्यिक भाषा के रूप में प्रतिष्ठित करना संभव हो सका है। हिंदी साहित्य के हर कालखंड के हर वाक की स्थापना साहित्यिक पत्रिकाओं के सहारे ही संभव हुआ है।
निबंध हो, आलोचना हो, रिपोर्टाज हो, कहानी हो, ये जो गद्य विधाएं हैं, इन गद्य विधाओं का विकास भी पत्रिकाओं द्वारा ही हुआ है। यहाँ तक कि हिंदी को वाद विवाद और विमर्श की भाषा के रूप में हिंदी की समृद्धि जो है वह भी पत्र पत्रिका के द्वारा ही हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद।